हेलो गाइस, आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने भीतर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। यहाँ किला है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जिसे रायसेन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो यहाँ कई राज दफन है और इसे लेकर कई प्रथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो खौफ और आश्चर्य से भरपूर है। कहते हैं कि यहाँ के राजा ने अपनी ही रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, तो चलिए जानते हैं रायसेन के किले के बारे में और उसका रहस्य। यहाँ किला 1200 ईस्वी में बना था। किला सहरी की पहाड़ी पर स्थित है। दो धर्मों की समानता को दर्शाने वाले इस किले के भीतर एक मंदिर और एक मस्जिद है। भोपाल शहर में स्थित 800 साल पुराने किले में 9 प्रवेश द्वार और 13 टावर हैं। इसके अलावा यहाँ कई कुमंद और मध्यकाल की कई इमारतें के अवशेष भी मौजूद हैं। हालांकि अब यहाँ महल सैकड़ों चमगादड़ों का घर है। इस किले का इतिहास गौरवशाली रहा। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया था। इनमें से एक थे शेरशाह सूरी। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने किले पर राज करने के लिए तोप बनाने के लिए तावे के सिक्कों को पिघलाया था। अपनी इस मेहनत की बदौलत ही वहाँ किले को जीतने में कामयाब हो पाए। यहाँ भी कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए धोखे का सहारा लिया। बताते हैं उस समय इस किले का राजा पूर्णमल का शासन था। जब उसे पता चला कि उसके साथ छलिया धोखा किया गया है, तो उसने अपने दुश्मनों से अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसका ही गला काट दिया। इस किले के बारे में एक और कहानी है जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। कहते हैं कि राजा रायसेन के पास एक पारस पत्थर है जो लोहे को भी सोने में बदल सकता है। यह एक रहस्यमय पत्थर है जिसके लिए काफी लड़ाइयां भी हुई हैं। जब राजा रायसेन हार गए तो उन्होंने इसे झील में फेंक दिया। हालांकि अन्य राजाओं इस पत्थर को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पत्थर कभी नहीं मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी लोग इस पत्थर को ढूंढने आते हैं। बताया जाता है कि एक जिन इस बेशकीमती और रहस्यमय पत्थर की रक्षा करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन कहीं सुनी कहानी को जानकर लोग आज भी पारस पत्थर को खोजने यहाँ पहुँच जाते हैं और उनके हाथों निराशा ही लगती है। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।